बात करने वाले और लोगों से कनेक्ट होने वाले महीने में एक दिन पहला प्रधानमंत्री जो दुनिया के सामने उदाहरण है उनका जितना आभार व्यक्त किया जाए वह कम है। प्रधानमंत्री को बहुत लोग कर रहे हैं, ललन सिंह एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, अमित शाह को रिटायर्ड हो गए। देखिए एक बात बोले, मैं तो ललन जी को कहूंगा कि उनको राजनीति का अनुभव है और न किसी प्रकार का अनुभव है। अगर उनको अनुभव होता तो पता होना चाहिए कि पूर्णिया हवाई अड्डा की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है और जो भी कुछ वहाँ बाधाएं उत्पन्न हैं जमीन के अधिग्रहण का, वह बिहार सरकार के निकम्मेपन का परिचायक है जिसके कारण विलंब हुआ है। लेकिन हम बिहार सरकार को भी कहना चाहेंगे और चेताना भी चाहेंगे कि पूर्णिया के हवाई अड्डा जल्द से जल्द शुरू होगा, बाधक बनने की कोशिश नहीं करे। वह केंद्र सरकार की घोषणा है और जल्द ही वह शुभारंभ भी होगा। सोनिया गांधी से मुलाकात हो रही है लालू यादव और नीतीश कुमार के, उससे पहले हरियाणा में इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत बढ़िया है, दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम, दर 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 घूम रहे हैं हमारे नीतीश जी। अब ऐसा उनका दिन आ गया कि शिवानंद जी कहते हैं कि आश्रम बनाइए, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, और देख रहे हैं ना किस प्रकार से उनका अपमान उन्हीं के लोग कर रहे हैं, उन्हीं के लोग कर रहे हैं। और जनता समझ गई है, अब तो जनता उनके नाम की भी लेना भी नहीं चाहती और समझ रही है कि नीतीश जी ने बड़ा नाइंसाफी किया है बिहार के लोगों को के साथ, बिहार के लोगों के साथ। 12 जुलाई को जो मोदी जी की रैली थी वो पीएफआई के टारगेट पर थी, ये बात जांच में सामने आई। जांच चल रही है, वो बाद में उस पर आपको जो भी जांच की एक प्रक्रिया है, जांच एक व्यवस्था है, जांच निष्पक्ष होती है और जो भी होगा उसको समय पर एजेंसियां है वो आप लोगों को देश को बता देगी। सारे विपक्ष के लोग चौटाला जी के चलती पर इकट्ठा हो रहे हैं, इसका इनपुट कुछ मिलेगा कि लोग ऐसी तरह मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे घर चले जाएंगे? ये हरियाणा में इकट्ठा हो रहे हैं सब। धन्यवाद।